सोनी लिव की हिंदी सीरियल ध्रुव तारा के 19 अप्रैल 2023 एपिसोड में प्रीति किताब खोजने में तारा और ध्रुव की मदद करती है। एपिसोड की शुरुआत तारा से होती है जो ध्रुव से पूछती है कि उसने अभी क्या कहा। वह विषय को ये कहते हुए बदल देता है कि उन्हें प्रीति से उसके पति के बारे में बात करनी चाहिए। सुशीला और ललिता एक दूसरे से बात करते हुए कहते हैं कि उन्होंने किसी तरह तारा को नजरअंदाज कर दिया, लेकिन किसी को यह नहीं पता होना चाहिए कि वे तारा और ध्रुव की नकली शादी की सच्चाई के बारे में जानते हैं। ध्रुव एक मनोवैज्ञानिक से तारा की स्थिति के बारे में बात करता है। वह कहती हैं कि कई बार मरीज खुद को उनके द्वारा पढ़ी गई कहानी का हिस्सा मानते हैं। हो सकता है कि तारा ने कोई प्राचीन कहानी पढ़ी हो और वह सोचती हो कि यह वास्तविक में हो रहा है। उन्हें ऐसे मरीजों से बहुत सावधानी से निपटना होता है। तारा एक योद्धा की तरह अपना चेहरा ढककर ध्रुव के पास आती है। वह उसे अपना चेहरा दिखाने के लिए कहता है। वह हमेशा उसकी जरूरत में मदद करने के लिए उसका धन्यवाद करती है। वह कहती है कि उसके भाई के बाद वह उस पर पूरा भरोसा कर सकती है। महावीर सरस्वती से मिलने आते हैं और सरस्वती उन्हें देखकर प्रसन्न हो जाती हैं। वह कहती है कि उसे पता चला कि महावीर के स्वास्थ्य के कारण सम्राट अगला राजा होगा। वह इसे रोकना चाहती है और इसके लिए वह तारा को वापस लाना चाहती है। महावीर कहते हैं इसका मतलब है कि वह जानता है कि तारा कहाँ है। सरस्वती कहती है कि वह चाहती है कि महावीर को राजा से अनुमति मिले, क्योंकि वह राज्य में हर जगह तारा की खोज करना चाहती है और साथ ही वह कुछ ऐसा चाहती है जिससे वह उस तक पहुंच सके। महावीर कहते हैं कि उन्हें नहीं लगता कि उनके पिता सहमत होंगे। सरस्वती का कहना है कि वह कम से कम कोशिश कर सकते हैं। वह सोचती है कि तब वह नवरंग वन के माध्यम से तारा तक पहुंचने का रास्ता खोज लेगी। तारा और ध्रुव तरुण के घर पहुंचते हैं और प्रीति उन्हें उस कमरे की तलाशी लेने में मदद करती है जहां तरुण ने किताबें रखी थी। प्रीति कहती है कि तरुण एक पार्टी में शामिल होने गया था और उन्हें सावधान रहना चाहिए क्योंकि वे सीसीटीवी की निगरानी में हैं। तारा पूछती है कि सीसीटीवी क्या है। ध्रुव उसे पहले अंदर जाने के लिए कहता है। तारा को अपने राज्य वल्लभगढ़ की एक तस्वीर मिलती है और वह बेचैन हो जाती है। वह उसे बताती है कि किताब यही है। वह इसे खोजती है और फिर वह अपने महल की तस्वीरें देखती है और वह अभिभूत हो जाती है। वह ध्रुव को सभी जगहों के बारे में बताती है और वह ये सुनकर हैरान हो जाता है। प्रीति तरुण से पूछती है कि वह जल्दी वापस क्यों आया। तरुण कहता है कि वह अपने दोस्त से कुछ जरूरी बात करना चाहता है। वह उसे पानी पीने के लिए कहती है। तारा ध्रुव को समझाती है कि वह वल्लभगढ़ से कैसे संबंधित है और उसके पिता एक राजा हैं और उसका भाई राजकुमार है। वह एक राजकुमारी है। वह कहती है कि वह उसे साबित कर सकती है क्योंकि वह उस पर भरोसा नहीं करेगा। वह नवरंग वैन और टाइम मशीन के बारे में बताती हैं। ध्रुव भ्रमित हो जाता है। वहां तरुण अपने दोस्त से कहता है कि उसने किताब में कुछ डिजाइन देखा है जो उन्हें नवरंग वन तक ले जा सकता है और वहां उन्हें बहुत बड़ा खजाना मिल सकता है। तारा को डर है कि अगर कुछ गलत लोगों को उस टाइम मशीन के बारे में पता चल गया तो वह गलत हाथों में चली जाएगी और वे इसका गलत इस्तेमाल कर सकते हैं। वह उसे भ्रम से बाहर आने के लिए कहता है क्योंकि वल्लभगढ़ आज के समय में मौजूद नहीं है। उसने पहले उसे नवरंग वन के बारे में बताया, फिर वह अब वल्लभगढ़ को खोजने की कोशिश क्यों कर रही है। तारा ने खुलासा किया कि वह टाइम मशीन के माध्यम से एक अलग सदी से आई है। ध्रुव ये सुनकर चौंक जाता है। सरस्वती कहती हैं कि अगर तारा को किताब मिल जाए तो वह खुद वल्लभगढ़ वापस आ सकती है।
तरुण कमरे में प्रवेश करता है और ध्रुव तारा के साथ छिप जाता है। वे एक दूसरे से मिलते हैं और प्रीति तरुण को फोन करती है और उसे बताती है कि उसका दोस्त उससे मिलने आया था। तरुण का कहना है कि अगर वह अपने कार्यालय के कमरे में आई, वह कहती है कि वह उसकी अनुमति के बिना ऐसा कभी नहीं करेगी। ध्रुव तारा को घर से बाहर ले जाता है और वह कहती है कि उसे किताब लेनी होगी क्योंकि वह भूल गई थी। वह उससे फिल्मों की तरह बात नहीं करने के लिए कहता है क्योंकि उसे लगता है कि उसे मानसिक उपचार की जरूरत है। वह कहती है कि वह झूठ नहीं बोल रही है। वह उदाहरण है कि समय यात्रा मौजूद है लेकिन ध्रुव उस पर विश्वास नहीं करता।